ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं के बारे में जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है। तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आपके इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इनकी आई है या नहीं। एक नोटिस के द्वारा आज बताया गया है कि 21.66 लाख छात्रों को 1316 करोड़ छात्रवृत्ति दी गई है। आपको बताता चलूँ कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 21.66 लाख छात्रों को 1316 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति उनके खाते में सीधी भेज दी है। इनमें दसवीं के 558,705 छात्रों को 88.18 करोड़ और दसवीं से ऊपर के छात्र 1607,593 को 1227.89 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति दी गई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी पात्र छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि भेज दी जा रही है। जिन विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित न किए जाने या अन्य तकनीकी कारणों से व्यवधान है, उनके लिए पुनः 15 अप्रैल से 15 जून के बीच पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार 100% अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के 27 छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी गई है। समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के इतने छात्रों को खाते में DBT के माध्यम से भेजा है पैसा। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, upscholarship.nic.in। इस पर आ जाना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो इस प्रकार से कि यहां पर स्टेटस बना हुआ है। स्टेटस पर जाकर के एप्लीकेशन स्टेटस पर भी जाकर के आप अपने जो है अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपकी जितनी भी स्टेटस है उसमें 5 स्टेप होती है वो कंप्लीट है या नहीं। यानी कि 5 स्टेप अगर क्लियर हो चुकी है तो आपके खाते में डायरेक्ट आपका पैसा आ चुका है। उसके साथ ही जैसा आप यहां पर क्लिक करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, नीचे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा डाल करके आपको सर्च करना होता है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं अगर आपका स्टेटस एक्यूरेट है और आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, तो आप अपनी भुगतान की स्थिति जानने के लिए क्लिक करें पर आपको क्लिक करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड पर ही है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेमेंट बाई अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक डालना है और नीचे आपको एंटर अकाउंट नंबर डालना होगा, फिर आपको दोबारा से फिर अपने अकाउंट नंबर को डालना है, उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको वर्ड वेरिफिकेशन में डालना है और नीचे आपको सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसके बाद नीचे अपने मोबाइल नंबर को OTP डाल करके आपको सबमिट कर देना है। आपकी स्कॉलरशिप की पेमेंट को यहाँ पर शो कर देगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आ चुका है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ बहुत से स्टूडेंट्स के आधार सीडिंग नहीं हुई है तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जब तक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं होगा तब तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ये पहले भी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वैसे भी बता दिया गया है। जब आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तब भी यहाँ पर जो है जहाँ से आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है वहाँ पर बताया गया था कि आपका बैंक अकाउंट और आधार सीडिंग दोनों होना चाहिए, तभी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती है। एक उसमें वेरीफिकेशन भी होता है, अगर आपका वेरीफिकेशन हुआ है और उसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करा है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी। और अगर आपके संस्थान द्वारा आपके आवेदन को आगे नहीं भेजा गया है तो इसमें जो है आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसमें 15 जून तक का फिर से पोर्टल खोलने को बताया गया है, तो आप अपने संबंधित कॉलेज में जाएंगे और वहां पर अपने फॉर्म को आगे अग्रसारित कराएंगे, उसके बाद इन छात्रों की स्कॉलरशिप जो है वो आपकी आएगी। इस प्रकार से आप अपने स्कॉलरशिप को देख सकते हैं कि आपका पेमेंट आ चुका है या नहीं। और आप हमें कमेंट में भी बताएं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने भरा था उसकी स्थिति क्या है, क्या आपके सभी कंप्लीट स्टेप जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। अगर कंफर्म हो चुके हैं तो आपका पेमेंट आ चुका है या नहीं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी आवेदन की स्थिति क्या है। अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है या फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है या जो मैंने बताया कि कॉलेज के द्वारा आपके फॉर्म को अग्रसारित नहीं किया गया है तो वो भी कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लाइक करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।